हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कभी आपसे कभी किसी पॉइंट की किसी लाइन के अंदर इमेज पूछ ली गई, कॉन्करेंट वाले सवाल पूछ लिए गए, तो और कुछ जनरल फॉर्म वाले सवाल पूछ लिए गए, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। ये इक्वेशन ऑफ लाइन से थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा अलग से क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे इसमें मिले हैं, तो और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, वो इक्वेशन ऑफ लाइन से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चंस हैं। तो आइए बच्चों करते हैं ज़रा शुरू इस वीडियो को। लेकिन इसके अलावा जो मैंने जो स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस बना रखे हैं उनके लिए आप लोग आई बटन पर बच्चों जरूर क्लिक करिएगा, ताकि सो दैट आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस मिल पाएं, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाता हूं बच्चों, और आप लोगों के साथ बात करते हैं हम लोग आगे के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, वन शॉट के लिए, माइंड मैप के लिए। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए आई बटन पर क्लिक करिए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट लिंक। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल हमसे क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो देखिए बच्चों इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, तो यानी कि बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास एक लाइन है 3x प्लस में 4y प्लस में इक्वल टू में -7 लिख देता हूं, और ये वाली लाइन यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3x और 3x यहाँ पर हो जाएगा, 3 से कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6y आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गया इसे भी 3 से करूँगा, माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है ये एक ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल है। तो मुझे पहले तो एक पॉइंट पता लगाना पड़ेगा जहाँ से वो जा रही है, तो इनके इंटरसेक्शन से जा रही है तो वो पॉइंट पता लगा लेता हूँ पहले। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गया तो माइनस का 2y हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो अल्टीमेटली y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। यहाँ पर बच्चों अगर वैल्यू पुट कर दूंगा y प्लस में 2 माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो प्लस में 3 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 1 आ जाएगी। और यानी कि -1 -1 ये तो एक बच्चों वो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट से ये कहानी चल रही है। लेकिन बच्चों स्लोप पता लगाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है आप लोगों के पास y इज इक्वल्स टू में इसको x प्लस में 8 लिख सकते हो, तो m x प्लस में c इक्वल टू में y, तो यानी कि बच्चों m कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, कंपेयर कर लिया हम लोगों ने यहाँ से, तो यहाँ से बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे स्लोप मिल गया, यानी कि मुझे m मिल गया बच्चों कितना है 1, और मुझे पॉइंट मिल गया -1 एंड -1, क्लियर है। तो अगर मैंने -1 -1 ढूंढ लिया और ये ढूंढ लिया तो क्या होता है, y माइनस में माइनस का 1 y1 इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में x1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और x प्लस 1, तो यानी कि y प्लस 1 इक्वल्स टू में x प्लस 1 बच्चों, यानी कि x माइनस y 1 से 1 चला गया इक्वल टू में 0 आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, क्लियर हो गया बच्चों कहानी। तो यानी कि बच्चों आप लोगों के पास कितना आ जाएगा x माइनस y, यही बच्चों हमारे पास भी आ रहा है। करा क्या बच्चों मैंने, उन्होंने बोला कि एक दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, पैरेलल दे रखा तो उसका स्लोप जो लाइन दे रखी है उसी के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में दो लाइन के स्लोप जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ की यहाँ पर, क्लियर हो गए बच्चों कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछता है कि k की वैल्यू आप लोग बता दीजिए। तीन इक्वेशन लिखवाते हैं वो हमसे, कहते हैं कि 3x प्लस में y इक्वल्स टू में 2, और kx प्लस में 2y इक्वल्स टू में बच्चों आ जाएगा 3, एंड 2x माइनस में y इक्वल्स टू में 3। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को पिक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आप पहली वाली और तीसरी वाली इक्वेशन को पिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप एक्स वाई निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं मे ऑन वन सिंगल पॉइंट, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे अगर एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों इन दोनों से आप पॉइंट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3x प्लस में y इक्वल्स टू में 2 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू में 3, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, ये चला गया यहाँ पर 5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1। अब यहाँ पुट कर दीजिए, 3 इंटू में 1 प्लस में y इक्वल्स टू में 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों प्लस का 1, यानी कि 1 माइनस 1 ये पॉइंट बन गया, कितना आ गया बच्चों 1 एंड -1। तो 1 एंड -1 तो ये बन गया आप लोगों के पास, ये तो पॉइंट मिल गया, लेकिन बच्चों ये तो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे थे, तो जहां पर अब देखो अगर तीन लाइंस इस तरीके से बच्चों कट कर रही हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे अगर ये दोनों लाइन जहां पर कट कर रही होंगी वहीं पर बच्चों तीसरी लाइन भी जा रही होगी, है ना।
तीसरी, ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ कट कर रहा हूँ मैं भाई, और ऐसा भी नहीं कि दोनों लाइनें कहीं और जाकर के मिल जाएंगी भाई, अब दोबारा नहीं मिल सकती, तो मिली होंगी तो यहीं मिली होंगी। तो यानी कि ये वाला पॉइंट बच्चों इस वाली इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेगा, यानी कि के एक्स प्लस में टू वाई इक्वल टू में थ्री। तो बच्चों आप यहाँ पे वन माइनस वन पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस का टू इक्वल्स टू में थ्री, यानी बच्चों के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास पाँच। तो वो के की वैल्यू ही आप लोगों से जानना चाहते थे और के की वैल्यू ही आप लोगों ने निकाल दी। आप ध्यान रखिएगा कभी भी कॉन्करेंट बोले तो आप लोग ध्यान रखिएगा तीनों की तीनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। के की वैल्यू बच्चों पाँच आ गए। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है बच्चों कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। आपसे कहते हैं कि कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है तो आपको ये शो करके दिखाना है। आपको अगेन बच्चों कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आप बस मेरी एक बात सुन लीजिए ध्यान से। आप एक काम करिए, आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू में एम वन एक्स प्लस में सी वन, एक है y इज इक्वल्स टू में एम टू एक्स प्लस में सी टू, एक है y इज इक्वल्स टू में एम थ्री एक्स प्लस में सी थ्री। आप एक काम करिए, तीसरी वाली इक्वेशन को ऐसे रहने दीजिए, इन दोनों इक्वेशन से देखिए y की वैल्यू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों को सेम कर सकता हूँ, यानी कि एम वन एक्स प्लस में सी वन इक्वल्स टू में एम टू एक्स प्लस में सी टू, ये कर सकते हो। यहाँ से क्या करो, आप x की वैल्यू निकाल लो, आपको y की वैल्यू तो पता है, आप x की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसको इधर ले आता हूँ, तो x कॉमन निकाल लूँगा तो m1 माइनस में कितना आ जाएगा m2, और यहाँ कितना हो जाएगा c2 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों c1। तो x की वैल्यू हो जाएगी c2 माइनस में c1 अपॉन में आप यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों m1 माइनस में m2, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी, देख लीजिए यहाँ पर ये बच्चों x की वैल्यू हो गई, लेकिन बच्चों आपको अभी y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये थी। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालता हूँ, ज़रा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहानी। यहाँ पर बच्चों y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो y क्या होता है m1 इंटू में x, x कितना आ गया c2 माइनस में c1 अपॉन में m1 माइनस में m2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में c1। तो बच्चों ये तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू में इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ m1 c2, ठीक है, माइनस में m1 c1, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा प्लस में c1 m1 माइनस में, ये वाला माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस में c1 m2। क्लियर है, और अपॉन में बच्चों कितना चलेगा आपका m1 माइनस में m2 चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप लोग इस बात को समझेंगे तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच्चों आप लोगों को एक चीज़ और मिल जाएगी यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, वाई की कंप्लीट वैल्यू। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एम वन सी टू माइनस में सी वन एम टू अपॉन में एम वन माइनस में एम टू, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, एक तो y हो गया और ये बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्योंकि अब देखिए अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, x और y मिल गया, तीसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो जरा कैसे आ जाएगा, मैं यहाँ पर y की जगह पर तो यही लिखे दे रहा हूँ, सी वन एम टू अपॉन में एम वन माइनस में एम टू इक्वल्स टू में x एम थ्री, एम थ्री यहाँ आ जाएगा बच्चों, x की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं c2 माइनस में c1 अपॉन में m1 माइनस में m2, ठीक है जी, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों c3। तो यहाँ पर बच्चों c3, तो बच्चों अल्टीमेटली अगर आप लोग देखेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, अगर एलसीएम ले लूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर भी m1 माइनस में m2 हो जाएगा, और सबके डिनोमिनेटर में बच्चों यही चीज़ रहेगी। तो हटा देता हूँ डिनोमिनेटर से, तो अब इसको है ना, तो डिनोमिनेटर की तो बच्चों अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी, ठीक है। तो अब आइए बच्चों ज़रा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और m वालों को एक साथ करना पड़ेगा, पहले तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 सबको इधर की तरफ ले आते हैं, m1 c2 एक ही तरफ है ये सब, इधर की तरफ ही ले आते हैं, माइनस में c1 m2, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा पर इधर की तरफ लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों माइनस में m3 c2, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा, इधर की तरफ करूंगा तो m3 c1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा नेगेटिव c3 m1, नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा c3 m2 इक्वल टू में जीरो। बच्चों पहले m1 m2 m3 बाहर निकालो, m1 को बच्चों अगर बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा, m1 वाले कौन से हैं ये वाले हैं, तो c2 माइनस में कितना आ जाएगा c3 प्लस में, m2 वालों को निकालो बच्चों, m2 वाला ये है एक, और क्या है बच्चों m2 वाले में, m2 वाले कहाँ हैं ये रहे, यानी कि c3 माइनस में c1 आ जाएगा बच्चों, और बच्चों अगर मैं m3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास c1 माइनस में कितना आ जाएगा m3 में c2 माइनस का, और देख लीजिए बच्चों इक्वल टू जीरो आ रहा है, देख लीजिए। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, तो ये बच्चों हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना था। मैं अगेन बताता हूँ आप लोगों को,
मैंने क्या किया, शुरू की दो वैल्यूज में से y, तो y की वैल्यू ये भी है, y की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली। फिर किसी भी एक इक्वेशन में जाकर के y की वैल्यू निकाल ली तो y भी निकल आया, ये रहा y। फिर मैंने क्या किया, जो इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली, तीसरी वाली में जाकर पुट कर दी, और अपने आप बच्चों ये चीज आ जाएगी अपने आपके पास। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन में अगर आप लोगों ने गलती कर दी फिर तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, फिर रहने दो, फिर कोई नहीं बचा पाएगा भाई आपको, आप लुढ़क जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन अगर आप लोग सही से करके ले जाओगे तब तो आप बच जाओगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बच्चों ये चीज दे रखी है आप लोगों को कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो एरिया बता दीजिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ डरें या कुछ करें, मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। यहाँ पर देखो, एक इक्वेजन ये मान लेता हूँ कि एक्स इक्वल टू में सी है भाई, यही दे रखिए। एक इक्वेजन ये हो जाएगी कि एक्स प्लस में वाई दे रखी है, और एक इक्वेजन ये मान लेता हूँ वाई माइनस में एक्स दे रखी है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बच्चों मुझे एक बात बताइए बच्चों, आप सभी लोग एक्स ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन जब बच्चों इंटरसेक्ट करेंगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी मेरी बात। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है, एरिया क्या होता है, 1/2 मॉडुलस में एक्स वन इंटू में वाई टू माइनस में वाई थ्री होता है, प्लस में एक्स टू वाई थ्री माइनस में वाई वन होता है, प्लस में एक्स थ्री वाई वन माइनस में वाई टू होता है। ये चीज़, ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को याद है ना, इसी फॉर्मूले को बस मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये इस वाली जगह पर अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूँ, वाई माइनस में एक्स इक्वल टू में जीरो और एक्स इक्वल टू में सी, तो एक बात तो कन्फर्म हो गई, ये दोनों तो गायब हो जाएंगे, तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों, सी हो जाएगी। देख लो यहाँ पर भाई, अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हो, ये इक्वल टू जीरो ही तो है, और क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है, इक्वल टू जीरो ही तो है, ये भी तो इक्वल टू जीरो ही तो है ना। तो ये वाले पॉइंट में अगर यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू भी c है, अगर आप लोग, क्योंकि x की वैल्यू इस वाली पूरी लाइन पर c है, तो यानी कि यहाँ पर तो c और यहाँ पर भी बच्चों कितना हो जाएगा, सॉरी x यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, c, और इधर भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी कितना हो जाएगा, c समथिंग। तो अब यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू भी c आ रही है, और अगर आप लोग यहाँ पर अगर बच्चों पुट इन कर देते हो, ये रुको, यहाँ पर रख देते हो तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर सी रख देते हो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर सी रख देते हो तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का सी आ जाएगा, तो सी माइनस सी यहाँ आ गया और सी यहाँ पर आ गया बच्चों। क्लियर हो गई कहानी, क्लियर हो गई बच्चों कहानी। तो यानी कि एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में जीरो और वाई माइनस में एक्स इक्वल टू में जीरो, तो अल्टीमेटली इससे तो ये चला जाएगा टू वाई इक्वल टू में जीरो, तो जीरो आ गया बच्चों, वाई की वैल्यू भी जीरो आ गई और एक्स की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप लोगों के पास, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो रही है कहानी, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 1/2 मॉडुलस में रखना है, एक्स वन जीरो है, और देखिए बच्चों वाई टू कितना है, सी माइनस में सी थ्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस में बच्चों फिर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर अब माइनस सी और माइनस में कितना आ जाएगा, जीरो, फिर उसके बाद प्लस में आपके पास अगला कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर उससे अगला क्या हो जाएगा, जीरो माइनस सी हो जाएगा। क्लियर है, अब ये तो बच्चों जीरो ही हो जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 2c² पर पॉजिटिव रखना है हमें इसे, तो 2c² अपॉन में 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो बच्चों कितना आ जाएगा, c², ये हो जाएगा बच्चों आपका एरिया। बात समझ में आई, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ पर तीन इक्वेशंस थी, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट किया, कुछ भी नहीं है यार, वाई माइनस एक्स इक्वल टू में जीरो है, एक है एक्स इक्वल टू में सी, तो ये जाके इसमें पुट कर दी और यही जाकर के एक बार इसमें पुट कर दिया, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका इंटरसेक्टिंग, भाई एक्स की वैल्यू तो दोनों में ही सेम रहेगी क्योंकि ये लाइन ही है एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा सी ही रहनी है, वाई की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी थी, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर माइनस सी आ गई, यहाँ प्लस सी आ गई, यहाँ पर बच्चों इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो जीरो आ रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगले सवाल में बच्चों आप लोगों को क्या दे रखा है, अगले सवाल में दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब बच्चों एरिया निकालना है यहाँ पर, तो एरिया किस तरीके से निकलेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर दो लाइन आप लोगों को दी गई हैं, एक है आपके पास y इज इक्वल टू में m1x प्लस में c1, एक है बच्चों y इज इक्वल टू में m2x प्लस में c2, और एक है x इक्वल टू में 0। देखो बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 होगी होगी, तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं, क्योंकि ये लाइन ही 0 वाली है। जब बच्चों आप x की वैल्यू इसमें 0 रखोगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, c2 हो जाएगी।
जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वन हो जाएगी। बताओ मुझे, बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? देख लो यहाँ पर भाई, इसमें वैल्यू पुट करोगे ना इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में, तो इसमें वैल्यू पुट करो y की वैल्यू c1, इसमें पुट करो c2। अब इन दोनों का निकालना है, तो इन दोनों में क्या करोगे बच्चों, x की वैल्यू निकाल लो पहले इसकी, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही दे रखे हैं। जब बच्चों दोनों बराबर दे रखे हैं, आप क्या करोगे, m1x प्लस में c1 इक्वल्स टू में m2x प्लस में c2। तो यानी कि यहाँ से बच्चों अगर x निकालूंगा तो m1 माइनस में m2 आ जाएगा, और यहाँ पर c2 माइनस में कितना आ जाएगा, c1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 माइनस में c1 अपॉन में m1 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, m2। ये तो बच्चों आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल्स टू में m2 यहाँ आ जाएगा c2 माइनस में c1 अपॉन में m1 माइनस में m2 और प्लस में c2। ये यहाँ पर बच्चों एलसीएम लोगे आप, इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, तो y इज इक्वल्स टू में m2, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, c2 माइनस में m2 c1, और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस में आ जाएगा c2 m1 और माइनस में m2 c2। तो m2 c2 तो बच्चों यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, अपॉन में भी चल रहा है बच्चों, m1 माइनस में m2, यहाँ कितना आ जाएगा c2 m1 माइनस में m2 c1 अपॉन में m1 माइनस में m2। तो बच्चों ये तो दो पॉइंट निकला है, एक तो x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, ये इस वाले ऊपर वाले पॉइंट का है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को निकालना होगा इसका आंसर, तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास एरिया कितना आता है, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 और y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 y1 माइनस में y2, इस तरीके से कहानी चलती है। तो बच्चों मान लो ये तो जीरो ही लगेगा, यहाँ पे मैंने जीरो रख दूंगा, ये भी जीरो रख दूंगा, तो गायब हो जाएगा ये वाली चीज़, तो गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x1 भी मेरा जीरो है, x2 भी मेरा जीरो है, मैं अपने x3 की तरफ जा रहा हूँ, ये है मेरा x3। मैं अगर बच्चों यहाँ पर x3 रखता हूँ, x3 कितना है बच्चों मेरे पास, c2 माइनस में c1 अपॉन में m1 माइनस में m2, ये रखा बच्चों मेरा ये x, 1/2 बच्चों मेरा बाहर है, मॉडुलस की वैल्यू निकालूंगा। अब y1 मेरा कितना होगा बच्चों, क्योंकि मैं इसके आगे वाले यानी c1 माइनस में c2 होगा मेरा, कितना हो जाएगा, c1 माइनस में c2 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, ये चीज़ आ जाएगी आप लोगों के पास। अब देखिए बच्चों ये दोनों चीज़ें लगभग सेम ही है, अगर मैं इसमें नेगेटिव कॉमन भी निकाल लूँ तो भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ c2 माइनस में c1 अपॉन में m1 माइनस में m2। लेकिन बच्चों मॉड की वजह से ये तो पॉजिटिव ही रहना है, ये दोनों सेम थे इसलिए मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बन गया। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा c1 माइनस में c2 का स्क्वायर, आप चाहे इसे भी पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, m1 माइनस में m2, ये आ जाएगा बच्चों मॉड की वैल्यू। लीजिए काम खत्म हो गया, और बच्चों यही आप लोगों के पास आपका जवाब आएगा, देख लीजिए, c1 माइनस में c2 का स्क्वायर अपॉन में m1 माइनस में m2। मैंने करा क्या, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, x इक्वल्स टू में जीरो दे रखा है यहाँ पर, दैट्स वाई बच्चों यहाँ पर बिना सोचे समझे ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो है x की वैल्यू। फिर यहाँ पर x की वैल्यू जीरो पुट की तो y मिल गया, यहाँ भी y मिल गया, यहाँ x और y निकालना पड़ा। अब यहाँ पर बच्चों अगर आपको ये मिल गया तो उसके अगले वाले दो y चाहिए होते हैं, तो c1 माइनस c2 इससे अगले वाले रहते हैं ना, इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, इसको तीसरा माना, तो जब x3 की जगह रख रहा हूँ तो y1 और y2 तो ये होगा ना, c1 माइनस c2, तो माइनस कर दिया, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये प्रूफ में भी आ सकता है आपके पास, ध्यान रखिएगा इसको। और सवाल ये जो मैं करवा रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, ये आएंगे, ठीक है। चलिए जी अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला वाला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी फंसता है ये, अगर कभी भी टीचर को क्वेश्चन पेपर थोड़ा ऐसा बनाना है जहाँ पर बच्चों को थोड़ी मुश्किल हों तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो उन्होंने बोला है कि 38 ये दे रखा है बच्चों आप लोगों को इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि बच्चों इस ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन उन्होंने दिया है यहाँ पर x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 7, और यहाँ पर बच्चों इसकी इमेज बतानी है, यानी कि ये वाला पॉइंट निकालना है आपको x1 और y1, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए बच्चों, ये वाला तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा, एक बात तो समझते हो, अगर आप शीशे मतलब यहाँ से और इसकी इमेज निकालनी है तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। अब बच्चों मैं आप लोगों से एक बात पूछूँ, सच सच बताना, आप लोगों को ये पता है, एक पॉइंट पता है, आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। भाई मुझे इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए अपॉन में बी होता है, -1/3 आ गया, तो आपको पता है ये 1 है, ये इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा इसका स्लोप, इसका स्लोप ये लाइन 2 हो जाएगी, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, m2, यानी कि m1 इंटू में m2 बच्चों कितना आएगा आपके पास, -1, तो m2 कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा ये हो रहा है माइनस का 1/3 यहाँ पर,
ये माइनस का वन है, यहाँ पर माइनस से माइनस गया तो m2 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर तीन आ जाएगा। तो आपको बच्चों स्लोप तो मिल गया इसका, इसका स्लोप कितना है तीन, पॉइंट आपको पता है। तो यानी कि y माइनस में y1, m इन टू में x माइनस में कितना आ जाएगा x1। तो y माइनस में y1 यानी कि आठ यहाँ आ जाएगा बच्चों, और तीन यहाँ आ गया, x माइनस में तीन यहाँ आ गया, तो y माइनस एट और यहाँ पर 3x माइनस में नाइन। तो बच्चों 3x माइनस वाई, इसको उधर ले जा रहा हूँ सबको, तो यहाँ पर माइनस वन इक्वल टू में जीरो, ये इक्वेशन आ गई बच्चों आप लोगों के पास। अब देखिए बच्चों इसकी भी इक्वेशन मिल गई, इसकी भी इक्वेशन, अगर बच्चों इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा तो यही वाला आएगा पॉइंट, ये वाली लाइन बच्चों कितनी है, यही है। तो इसको तीन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको तीन से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसी को तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कितना लिखा है 3x, सॉरी ये वाली लाइन क्या लिखी हुई है बच्चों, एक्स प्लस में 3y इक्वल टू में 7, इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 3x तो 9x हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, और इक्वल टू में भी तीन से मल्टीप्लाई इसको किया है ना अब हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों तीन, ठीक है जी। तो इससे तो गायब हो गया, 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इक्वल टू में 10 आ गया, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10 मिल गई, y की वैल्यू निकालते हैं, 3 इंटू में 10 माइनस में y माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 30 माइनस 1 इक्वल टू में y, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 29, यानी कि बच्चों 10 and 29, ये बच्चों आप लोगों के पास आपका जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 10 into 29, 10 निकाली थी तो इस तरीके से करके 10 और 29 बच्चों इसका जवाब आ जाएगा, ये तो बच्चों ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये क्या एक्चुअल में मिड पॉइंट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट को यानी कि एक्स वन प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास यहाँ 10 आ रहा है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो एक्स वन इक्वल्स टू में 20 माइनस में 3 करेंगे तो एक्स वन कितना आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग यहाँ पर करते हैं क्या, वाई वन प्लस में 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा 29, अगर आप यहाँ भेजेंगे तो वाई वन 29 का करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 58 माइनस में 8 कितना आ जाएगा बच्चों 50, तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों कितना आ जाएगा 17 और 50 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 17 and 50 आ जाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट आप सभी लोगों के पास। तो बच्चों लेकिन 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 इसमें हम लोग फिर भी एक बार को चेकआउट करते हुए चलें कि हम लोगों ने जो आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। मैं एक बार बता दूं आपको, मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे रख दी थी और मैंने इसको तीन से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, मैंने इस वाली इक्वेशन को बच्चों तीन से मल्टीप्लाई किया था, तीन से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये आ गया था, तो मैंने इन्हें जोड़ा, ये आ गया यहाँ जोड़ा, तो एक्स की, एक मिनट, एक्स की वैल्यू बेटा 1 आ गई है, आई एम सॉरी बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1 आई है, तो मैं यहाँ पर अगर 3 इंटू में कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और मैं कहाँ पर रख रहा था माइनस का वाई, माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो बच्चों वाई की वैल्यू जो आई है वो आपके पास 2 आई है, ठीक है, वाई की वैल्यू 2 आई है आपके पास, तो लो जी हो गए जी, लोचे हो गए भाई, गोटी कल्टी मार ले जल्दी से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 and 2, तो ये कितना है बच्चों हमारे पास x1 and ये वाला जो पॉइंट आया बच्चों, ये जो पॉइंट आया ये आपके पास 1 and 2 आया, ठीक है, ये हमें x1 और y1 अभी भी निकालना है। मुझे एक बात बताइए, 3 + x1 / 2 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 1, ठीक है, तो यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 1, और बच्चों आपके पास अगर आप लोग बात करेंगे अगले वाले पॉइंट के बारे में तो इन दोनों का, तो वाई वन प्लस में 8 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा तो वाई वन कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, तो -1 and -4 बच्चों ये आंसर आ रहा है, आई थिंक ये रहा बच्चों, देखो -1 and -4 बच्चों आपके पास जवाब आ गया। मैं दोबारा से पूरा का पूरा प्रोग्रेस बता देता हूँ आप लोगों को, करा क्या है हमने, हम लोगों ने क्या किया कि अगर एक लाइन दे रखी थी, ये पॉइंट दे रखा था, ये एक लाइन थी, इसका स्लोप निकाला, फिर उसे हमें पता था कि इन दोनों के स्लोप आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद -1 आ रहे होंगे, तो इससे मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, 3 निकल गया इसका स्लोप, पॉइंट पता था तो इक्वेशन निकाल ली, इस वाली इक्वेशन को इंटरसेक्ट करना था तो उससे मुझे ये वाला पॉइंट पता चल गया, जैसे ये वाला पॉइंट पता चला मुझे पता है इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट ये होगा, उससे बच्चों मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि एक्स वन प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 दिस, फिर वाई वन प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ये जो मिक्स क्वेश्चन थे, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ मिक्स क्वेश्चन के बाद जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है यानी कि शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला, तो उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भूलिएगा मत,
क्योंकि उसमें ही मैंने बहुत ऐसे सवाल करवाए जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और हम लोगों के अगर आप वन शॉट माइंड मैप और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस देखना चाहते हैं आई बटन पर क्लिक करिए, और अगर अदर सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आप लोगों के लिए सारी प्लेलिस्ट हम लोगों ने लगा रखी है। अब मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।